जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। गुजरात के सूरत में शनिवार को एक 6 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर ढह गई। इस हादसे में कई जाने की खबर है। वहीं SDRF और NDRF की टीमें राहत एवं बचाव अभियान चला रही हैं। हादसे के बाद अब तक 7 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी प्री मानसून सत्र को देखते हुए NDRF का एक टीम ओलपाड़ सूरत में डिप्लॉयमेंट पहले से ही था। कल हमको 84 मामलादार श्रीमान पारितोष जी से इन्फॉर्मेशन मिली कि एक 5 स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है और उसमें कुछ विक्टिम्स फंसे हुए हैं। तो हम तुरंत यहां आए और हम 4:30 बजे के लगभग पहुंचे और तभी से कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है। 7 विक्टिम्स अभी तक रिट्राइव किए गए हैं और अभी जैसा आप देख रहे हैं कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक फायर डिपार्टमेंट द्वारा लाइव विक्टिम भी हमारे आने से पहले एक रिट्राइव कर लिया गया था और अभी कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक लाइव विक्टिम और 7 विक्टिम्स निकाल लिए गए हैं। अभी कितने फंसे होंगे वो तो क्लियर नहीं बोल सकते, लेकिन अभी ऑपरेशन चालू है, अगर और भी हो सकता है, संभावना जताई जा रही है। मलबा हटाने में और कितना वक्त लग सकता है? मलबा हटाने में तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी 2-3 JCBs चल रही हैं, अभी जल्दी काम खत्म होने की संभावना है। प्रशासन ने बताया है कि मलबे में 6 से 7 लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसे में 7 मौतों के अलावा 15 से अधिक लोग घायल हैं। सूरत के DCP राजेश परमार ने कहा, एक महिला को बचा लिया गया है और अभी तक 7 शव बरामद किए गए हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मलबा हटाने का काम जारी रहेगा। ये 12 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक औरत को बचा लिया गया है और 7 डेड बॉडीज हमें मिली है अभी तक कन्फर्म किए थे और उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। अभी वो तो पूरा पक्का नहीं कह सकते कि कितना, लेकिन अभी ये मलबा हटाने का काम चालू रहेगा। नहीं, वो हम NDRF से बात कर रहे हैं, हम उसका इनकार भी नहीं करते और स्वीकार भी नहीं करते, लेकिन अभी देख रहे हैं, काम चल रहा है। सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने बताया, 6 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें रहने वाले कई लोग मलबे में फंस गए। पुलिस और दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई। मलबे में फंसी एक महिला को बचा लिया गया। इमारत के अंदर 30 फ्लैटों में से 4 से 5 फ्लैटों में लोग रहते और बाकी खाली थे। उन्होंने कहा कि कई लोग काम पर गए हुए थे और रात की शिफ्ट के बाद जो लोग फ्लैट में सो रहे थे वो हादसे का शिकार हो गए।